थाना कोतवाली इलाके के छटीकरा के समीप बढ़ती गांव नगला हेमराज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। थाना कोतवाली पहुंचे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष मामला के विरुद्ध मारपीट की तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नगला हेमराज में रहने वाले हरिहर ने थाना कोतवाली तहरीर देते हुए बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले रमेश सैनी के खेत पर गेहूं कटाई का कार्य किया था। जब कई दिन बीत जाने के बाद भी रमेश ने उसे उसके हिस्से के गेहूं नहीं दिए तो उसकी पत्नी ने रमेश से गेहूं देने के लिए कहा, जिससे रमेश व उसके अन्य परिजन आग बबूला हो गए और उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। पीड़ित ने मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला जो है उस हमारी घरवारी कहने लगी, हमारी चाचा नाज नहीं देंगे का, ये पानी भर गई थी नल पे से वापस आई, फिर ये पहले हमें चेक करना देंगे, फिर घर पे आए कि इसकी छेड़ाखानी करी, मारपीट करी, उल्टी सीधी ब्लाउज ब्लाउज फाड़ दिए, तो खून खच्चर हो गए। क्यों मारपीट की आपकी सर? इस अनाज के पीछे सब एक एकड़ जमीन काटी थी इसकी, और पाँच ओन में तय था देरों साढ़े तीन ओन का बीघा, और फिर मैं पीछे थे मैं आया साहब, उसको भतीजा उसने मेरे गलीमान पकड़ी, बोसठ पकड़ी और नीचे दे मार बोरी में गिर दिए, कुछ 1500 पैसे भी आते भी गिर पड़े, सब मैंने नाम नहीं लिया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की आपके साथ? रमेश सैनी और दुसंत सैनी और दीपक सैनी। कहाँ रहते हैं वो? नंगला हेमराज। बाप को नाम है मोहर सिंह, और दीपक सैनी के बाप को नाम है सुरेश सैनी।